देश के विभाजन का दर्द, तो शायद मैं समझता हूँ किसी भी देश के विभाजन के दर्द को शायद वह आने वाली अनेक पीढ़ियाँ भोगती हैं। और देश का विभाजन केवल सत्ता स्वार्थ के लिए किया गया था, जिसमें करोड़ों लोगों को बेघर होना पड़ा, लाखों लोगों को बहुत ही निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा गया। और जो अखंड भारत का सपना देखते हुए देश के तमाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, उस बलिदान को भुलाया गया। और विभाजन के कारण कितने लोगों को, जो पाकिस्तान वर्तमान में बना हुआ है उधर थे, और उनको किस प्रकार से विस्थापित होना पड़ा था, उनकी आज भी पीड़ा अगर जानना है तो बहुत कुछ लोग ऐसे हैं अभी बचे हुए जो आज भी विभाजन की पीड़ा झेलने के बाद हमारे आपके बीच में प्रयागराज में भी आने दो। अगर बात करें तो जयंत चौधरी जी को लेकर क्या एनडीए में शामिल होंगे, क्योंकि तो सब कुछ भी नहीं है। देखिए, अभी ये सब काल्पनिक सवाल हैं। अभी तो मैं सभी अपने प्रयागवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, आज विभाजन विभीषिका दिवस है और कल आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर पूरे देश के अंदर अमृत महोत्सव वर्ष का कार्यक्रम जो चल रहा है हर घर तिरंगा फहराने का, प्रयागवासियों से भी अपील है हर घर में तिरंगा फहराएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है और उस अपील का व्यापक असर भी हो रहा है। और सभी से मैं अपील करता हूं कि हर घर में तिरंगा फहराएं और संकल्प लें, जो पंच प्रण हैं, कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और दुनिया के जो तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था जो है वो भारत होगी अगले कार्यकाल में। अच्छा, तिरंगा लगाने पर सीएम योगी समेत तमाम बड़े नेताओं के बीजेपी के ट्विटर ने प्रोफाइल हटा दिए हैं, हालांकि पीएम मोदी का रखा है बनवा, क्या कहेंगे? अब वो क्या है, वो टेक्निकल चीज़ होगी, वो देखेंगे आईटी मिनिस्ट्री के लोग देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि तिरंगा तो हमारे स्वाभिमान का, हमारे सम्मान का, हमारे पहचान का प्रतीक है। और जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए देश की रक्षा के करते हुए अनेक हमारे वीर बांकुरे सैनिक बलिदान दे देते हैं, उस तिरंगे से बड़ा हम लोगों के लिए कुछ नहीं। अच्छा, प्रियंका गांधी के ऊपर खड़ा रहे।